यहेजकेल 21 उसके 2 और 3 पद में हम पढ़ते हैं, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुना। इसराइल देश के विषय में भविष्यवाणी कर और उससे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ और अपनी तलवार म्यान में से खींचकर तुझ में से धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करूँगा। दंड अवश्यम भावी है और अब स्पष्ट है कि अनिवार्य है। जी हाँ, अब तक तो परमेश्वर की दया का हाथ आगे बढ़ा हुआ था, परंतु अब केवल दंड है, अन्य कोई विकल्प अब नहीं है। लिखा है कि प्रभु यहोवा यूं कहता है कि देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ। यह पहली बार है कि वह यरूशलेम के विरुद्ध ऐसा कहता है, यरूशलेम जो उसका नगर है। कहता है तुझ में से धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करूंगा। मेरे प्रियो, यह बड़ी विचित्र बात है। ये धर्मी जन कौन है? वे जो अपने आप को धर्मी कहते हैं? आज के समय में ये धर्मी जन वे हैं जो कलीसिया के सदस्य तो हैं, परंतु उनका उद्धार नहीं हुआ है, जिनकी परिभाषा धर्म कर्म करने वाले हैं। ऐसे बहुत से मसीही जन हैं जिनके पापों पर धर्म की पट्टी बंधी हुई है। अतः आवश्यक है कि वे धर्म की पट्टी को उतार कर पाप का उपचार करें और कराएं, इससे पूर्व कि पाप उन्हें नष्ट कर दे। आप कैंसर पर पट्टी बांधकर उसे चंगा नहीं कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं, और न ही आप धर्म का दिखावा करके पाप मोचन प्राप्त करेंगे। परमेश्वर कहता है देख मैं तलवार म्यान में से खींचकर नाश करूंगा, मैं यरूशलेम को नष्ट कर दूंगा। यहेजकेल के पुस्तक 21 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि मैं तुझ में से धर्मी और अधर्मी सबका नाश करने वाला हूँ, इस कारण मेरी तलवार म्यान से निकलकर दक्षिण से उत्तर तक सब प्राणियों के विरुद्ध चलेगी। वह दक्षिण से लेकर उत्तर तक सर्वनाश करेगा। यहेजकेल 21 उसके 5 पद में लिखा हुआ है, तब सब प्राणी जान लेंगे कि यहोवा ने म्यान में से अपनी तलवार खींची है और वह उसमें फिर रखी न जाएगी दंड देने का समय आ गया है। यहेजकेल के पुस्तक 21 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, इसलिए हे मनुष्य के संतान, तू आह मार, भारी खेद कर और टूटी कमर लेकर लोगों के सामने आह मार। जब वे तुझसे पूछें तू क्यों आह मारता है, तब कहना समाचार के कारण, क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो, ऐसी ही बात आने वाली है और वह अवश्य पूरी होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, यहाँ परमेश्वर यहेजकेल से कुछ करने को कहता है, परंतु मैं कह नहीं सकता कि यहेजकेल की भावनाएं उसमें है। उससे परमेश्वर ने यह करने को कहा है, अतः वह केवल अभिनेता है, परंतु अपने इस अभिनय में वह परमेश्वर का मन प्रकट कर रहा है। वे यहेजकेल द्वारा दृष्टांतों के उपयोग पर शिकायत करते थे। यहेजकेल 20 अध्याय के 49 पद में हम पढ़ते हैं, तब मैंने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा, लोग तो मेरे विषय में कहा करते हैं कि क्या वह दृष्टांत ही का कहने वाला नहीं है। उनके कहने का अर्थ था कि हम उसके दृष्टांतों को समझ नहीं पाते हैं। वे समझना ही नहीं चाहते थे, वे सुनना नहीं चाहते थे कि उनकी परिस्थिति उचित नहीं है। हम भी कभी कभी सोचते हैं कि प्रभु यीशु के दृष्टांतों को समझना कठिन है, वे कुंठित हैं।
यदि आप समझना चाहें तो वे कठिन नहीं हैं। उसके समय में धर्मगुरु उसकी बात समझते थे और इसी कारण उससे घृणा करते थे। वे समझते थे कि वह उनके दंड की चर्चा कर रहा है। यहेजकेल 21 उसके 8 पद में लिखा हुआ है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यदि आप न समझे हो तो यहेजकेल यहां पर दोहराता है, यहेजकेल 21 उसके 9 और 10 पद में, हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख सान चढ़ाई हुई तलवार और झलकाई हुई तलवार, वह इसलिए सान चढ़ाई गई है कि उससे घात किया जाए और इसलिए झलकाई गई कि बिजली के समान चमके। तो क्या हम हर्षित हों? वह तो यहोवा के पुत्र का राजदंड है और सब पेड़ों को तुच्छ जानने वाला है। परमेश्वर यरूशलेम को दंड देगा। यह एक भयानक वचन है और सीधा परमेश्वर के हाथों से आता है। उसी प्रकार परमेश्वर के होठों से जो यरूशलेम के लिए तरसता था, यह वचन पहुंचता है। प्रभु यीशु भी यरूशलेम के लिए रोया था क्योंकि वह उस नगर से बहुत प्रेम करता था। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 37 और 38 पद में उसके मन की पुकार है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन सब पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। मेरे प्रियो, यदि आप दंड का आतंक देखना चाहते हैं तो सन 70 में रोम के राजा तीतुस के आक्रमण के बारे में अवश्य पढ़ें। ठीक उसी प्रकार नबूकदनेस्सर यहेजकेल के समय में करेगा। परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि वह क्या करेगा और यह संदेश नया नहीं है। अध्याय 66 और पद 16 में यशाया कहता है, यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। और 24 अध्याय के 17 पद में वह कहता है, हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गढ़ा और फंदा तुम्हारे लिए है। यहेजकेल की सांस आने वाले दंड के कारण ऊपर की ऊपर रह गई। प्रभु यीशु ने आने वाले दिन के लिए कहा था, लुकार्चित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 26 पद में, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की सब शक्तियां हिलाई जाएंगी। यहेजकेल सिसक सिसक कर रोएगा क्योंकि परमेश्वर ने दंड की तलवार खींच ली है। मेरे मित्रों, आज भी दंड आने वाला है। यह संदेश यहेजकेल के समान स्वीकार योग्य यहाँ पर नहीं है। लोग सुनना नहीं चाहते हैं, स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। आप उन्हें झूठी बातें कहें तो वे उसे मान लेंगे, परंतु सत्य बातें वे नहीं मानेंगे। यहेजकेल 21 उसके 18 में आगे हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास करें, वह हमें भूलने का अवसर नहीं देता है। यहेजकेल 21 के 19 में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, दो मार्ग ठहरा ले कि बेबीलोन के राजा की तलवार आए, दोनों मार्ग एक ही देश से निकलें, फिर एक चिन्ह कर, अर्थात नगर के मार्ग के सिर पर एक चिन्ह कर। दूसरे शब्दों में नबूकदनेस्सर मार्ग देख रहा था कि यरूशलेम किस ओर है। क्या आप सोचते हैं कि वह परमेश्वर की ओर फिरेगा? नहीं, वह तो एक अन्य जाति राजा है। वह तंत्र मंत्र और भूत सिद्धि करने के द्वारा निश्चित करेगा कि किस ओर फिरना है। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि वह इसराइल देश के विरुद्ध भविष्यवाणी करे, और पहली बार परमेश्वर कहता है कि वह इसराइल के विरुद्ध है और वह धर्मी एवं अधर्मी दोनों का अंत करेगा। सब प्राणी जान लेंगे कि परमेश्वर ने तलवार खींच ली है,
वह फिर म्यान में नहीं जाएगी। नबुकदनेस्सर चौक पर खड़ा तंत्र मंत्र से देख रहा है कि उसे किस ओर जाना है। परमेश्वर उत्तर से दक्षिण तक सब प्राणियों को घात करेगा। यहेजकेल को सिसक सिसक कर यह संदेश सुनाना पड़ रहा था। यहेजकेल 21 अध्याय उसके 25 पद में हम पढ़ते हैं, हे इसराइल, दुष्ट प्रधान तेरा दिन आ गया है, अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। लिखा है, हे इसराइल दुष्ट प्रधान, यह सिद्धि क्या है? तेरा दिन आ गया है, अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है, दंड का समय आ गया है, यह अंत समय है। धर्मशास्त्र में युग के अंत समय के विषय में कहने को बहुत कुछ है। इसका उचित अनुवाद होगा अंत के अधर्म के समय। दानियल ने भी यही अभिव्यक्ति काम में ली थी। दानियल की पुस्तक 11 अध्याय उसके 35 पद में लिखा है, अंत के समय, और मत्तयी सुसमाचार 24 अध्याय के 3 पद में शिष्यों ने यीशु से पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, और प्रभु यीशु ने उन्हें बताया। पौलुस ने भी थिस्सलुनीके की कलीसिया को इस विषय पर अपने दूसरे पत्र में लिखा था, यह राजा सिद्दिकिया भावी दुष्ट शासक का प्रतीक है, जो अपने आप को मसीह कहेगा, परंतु वह ख्रिस्त विरोधी होगा। अंत के समय में वह आएगा। यहेजकेल 21 के 26 पद में लिखा है, तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे, वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का। जो नीचा है उसे ऊंचा कर और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। सिद्दिकिया को उतारा जाएगा, जो एक राजा था, और उसके बाद दाऊद के वंश से वह ना आए जिसे उसका अधिकार है, मसीह यीशु। यहेजकेल की पुस्तक 21 उसके 27 में आगे लिखा है, मैं उसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी ना आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। यह बड़ी अद्भुत भविष्यवाणी है, जब तक उसका अधिकारी ना आए तब मैं उसे दे दूंगा। यह अधिकारी प्रभु यीशु है। सिद्दिकिया से लेकर प्रभु यीशु तक दाऊद के वंश में उस सिंहासन का और उस सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं हुआ। यहेजकेल कहता है कि उस सिंहासन पर कोई और नहीं बैठ पाएगा, केवल प्रभु यीशु बैठेगा। जी हाँ, इस समय वह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके बैरी उसके पांव की चौकी बनाए जाए, तब वह इस पृथ्वी पर न्याय करने को आएगा। इस अद्भुत भविष्यवाणी का मूल उत्पत्ति की पुस्तक 49 अध्याय उसके 10 पद में है। याकूब अपने पुत्रों को आशीर्वाद दे रहा था और उनका भविष्य बता रहा था। उसके 12 पुत्र इसराइल के 12 गोत्र हुए। उसने कहा, जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। यहाँ राजदंड का अर्थ है राजा। इब्रानी भाषा में जब तक वह ना आ जाए शीलो के समरूप शब्द है। यह प्रभु यीशु के बारे में कहा गया है। उसे धर्मशास्त्र में इसी प्रकार व्यक्त किया गया है। यही कारण था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, मत्तयी सुसमाचार 3 अध्याय उसके 2 पद में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्यों? क्योंकि वह उसमें था जिसके विषय में भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था। यहेजकेल उसके 21 अध्याय और 29 पद में हम पढ़ते हैं, जब तक कि वे तेरे विषय में झूठे दर्शन पाते और झूठे भावी तुझको बताते हैं कि तू उन दुष्ट असाध्य घायलों की गर्दनों पर पड़े जिनका दिन आ गया और जिनके अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। यद्यपि यहेजकेल अम्मोनियों के बारे में कह रहा है, यहाँ भी वही अभिव्यक्ति है, अधर्म के अंत का समय, अर्थात युग के अंत का समय।
दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्र 2:8 में पौलुस लिखता है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह इस बैरी को नष्ट कर देगा। मेरे मित्रों, यहेजकेल की पीढ़ी के लोग बंधुआई में जाने वाले हैं। उनके लिए वह अंत था। उनकी संतान स्वदेश लौटकर आएगी। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 21 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 22 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है यरूशलेम के घृणित कामों का पुनरालोकन। अध्याय 22 से 24 इसराइल पर आने वाले दंड की अंतिम भविष्यवाणी है। अध्याय 20 से 24 आरंभ में यहेजकेल के संदेश बंधुआई में जाने वाले पहले दो दलों को संबोधित करते थे। उनके विचार में परमेश्वर अपने मंदिर को उजाड़ने नहीं देगा, क्योंकि वह उसका पवित्र स्थान था और उसकी महिमा वहां वास करती थी। उनके विचार में परमेश्वर नबूकदनेस्सर को उसे छूने भी नहीं देगा। झूठे भविष्यद्वक्ता उनके अविश्वास को बढ़ावा दे रहे थे, जिसके कारण वे अपनी मूर्ति पूजा को त्याग कर कुकर्मों से मन फिराकर परमेश्वर के पास नहीं आ रहे थे। हमारे आज के युग में हमें एक अत्यधिक दुर्विचार से सावधान रहना चाहिए। आज बहुत से लोगों को प्रशंसा पात्र बनाया जाता है, परंतु विशेष करके उनके दफन के समय प्रचारक उन्हें प्रशंसा के शब्दों के साथ सीधा स्वर्ग में भेज देता है, जबकि वे अभक्त निंदक रहे हैं, वे शराबी और झगड़ालू रहे हैं। जब तक हमारे पास परमेश्वर का मन ना हो, हमें किसी के विषय में कुछ भी कहने से अति सावधान रहना है, अन्यथा एक अविश्वासी उस प्रशंसित मनुष्य के जीवन से अपनी भक्ति की तुलना करेगा। वह जानता है कि वह मृतक मनुष्य कैसा भयानक पापी था, और इस प्रकार वह सोचेगा कि उसे उद्धारकर्ता की आवश्यकता नहीं है। यह एक त्रासदी है कि सुसमाचार भक्तजनों को सुनाया जाता है, और जब सांसारिक और उद्धार से रहित मनुष्य उपस्थित हो, तब सुसमाचार के स्थान पर मन भावन बातें ही जाती है। यहेजकेल के युग में झूठे भविष्यद्वक्ता ऐसा ही करते थे। इन अंतिम भविष्यवाणियों में यहेजकेल दो टुक बात करता है। अध्याय 20 में उसने नेगेब के विषय भविष्यवाणी की थी। इसराइल का दक्षिणी क्षेत्र, बीर शेबा का क्षेत्र, उस भविष्यवाणी में परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे आग से भस्म कर दूंगा, और परमेश्वर ने उसे दंड दिया। अब अध्याय 21 में भविष्यवाणी थी कि प्रभु यीशु के आगमन तक दाऊद के सिंहासन पर कोई न बैठेगा। स्वर्गदूत ने मरियम से यही तो कहा था कि वह उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा। बड़े दिन के समय भी यहेजकेल को होना चाहिए था कि हमें समझ प्रदान करे। भविष्यवक्ताओं द्वारा दी गई पृष्ठभूमि आज भी अति आवश्यक है। हम देखते हैं यरूशलेम के घृणित कामों का पुनरावलोकन। अध्याय 22 में यरूशलेम वासियों के घृणित कामों की सूची यहाँ पर दी गई है। यहेजकेल 22 अध्याय उसके 1:2 में लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय ना करेगा? क्या तू उसका न्याय ना करेगा? उसको उसके सब घिनौने कामों को बता दे। प्रियो, ध्यान दे, हत्यारे नगर। यहेजकेल यरूशलेम को हत्यारा नगर कहता है। अध्याय 1:21 में यशाया कहता है कि जो नगरी सती साध्वी थी, वह कैसे व्यभिचारिणी हो गई। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। प्रभु यीशु ने उस नगर के लिए रोकर लुकारचित सुसमाचार 13:34 में कहा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, क्या उन्होंने यीशु को नहीं मारा? क्या उन्होंने यीशु को नहीं मरवा दिया? उन्होंने उसे रोमियों को सौंप दिया, जिन्होंने उसे मार डाला।
स्तिफनुस ने यहूदियों से कहा था, प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 52 पद में, भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया। उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को भी मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए हो। देखिए मत्तयी सुसमाचार 27 अध्याय के 25 पद में भीड़ क्या चिल्ला रही थी, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इसराइल के अगुए ईश्वर द्रोही थे और पाप में लिप्त थे। यहेजकेल 22 के 25 पद में लिखा हुआ है, तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की, उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम पाते हैं कि झूठे भविष्यद्वक्ता कहते थे कि सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। दूसरी बात हम आगे देखते हैं, यहेजकेल 22 के 26 में, उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि याजक परमेश्वर की व्यवस्था का निर्लज्जता से उल्लंघन कर रहे थे। अब हम तीसरी बात देखेंगे, यहेजकेल 22 के 27 पद में, उसके प्रधान भेड़ियों के समान अहेर पकड़ते और अन्याय के लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राणघात करने को तत्पर रहते हैं। ध्यान दीजिए कि उसके शासक भेड़ियों के समान शिकार को फाड़ रहे थे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 29 पद में पौलुस भेड़ की खाल में भेड़िए से सावधान रहने की चेतावनी देता है। आज भी कलिसिया में वे हैं। मेरे मित्रों, यरूशलेम को हत्यारा नगर क्यों कहा गया है? भविष्यद्वक्ताओं, याचकों और शासकों के कारण। यहेजकेल 22 उसके 30 और 31 पद में लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उसे भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, उस देश में एक भी मनुष्य मध्यस्थता करने के लिए नहीं था। मैं परमेश्वर का आभारी हूँ कि मेरे लिए उसे एक मध्यस्थ मिल गया, एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु यीशु में देखता है। मैं उस मध्यस्थ का अति आभारी हूँ। जी हाँ, मेरे पापों को उसने अपने ऊपर में उठा लिया, मेरे कारण वह क्रूस पर चढ़ाया गया, आपके कारण, सारे मानव जाति के कारण, ताकि हम उस भयानक पाप के दंड से बच जाएं। जी हाँ, केवल यीशु ही मुझे और आपको बचा सकता है। यरूशलेम नाश होने वाला है, परंतु आप भी नाश हो सकते हैं यदि आप अपने मनों को ना फिराएं। आइए आज प्रभु यीशु के पास आ जाइए, वह आपको अवश्य उद्धार देगा।